देवास शहर के कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष हिम्मत सिंह चावड़ा के नेतृत्व में आज सन्नौत कार्यकर्ता सम्मेलन में पधारे युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष काला पीपल विधायक कुणाल चौधरी का आज देवास आगमन पर उज्जैन रोड पंप चौराहा पर स्वागत किया गया। कुणाल चौधरी ने बताया कि जब हमारी सरकार थी युवा बेरोजगार नहीं थे, अब शिवराज की सरकार है यहाँ का हर युवा बेरोजगार है, उन्होंने सरकार को गिरा दी और अपनी सरकार बना ली लेकिन युवाओं को बेरोजगार बना दिया। जैसी हमारी सरकार बनती है हम युवाओं को रोजगार देने की पहली प्राथमिकता रहेगी। लगातार देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, जो सरकार केंद्र में बनी थी 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करा था वो 12 करोड़ रोजगार तो नहीं दिए, उल्टे 15 करोड़ रोजगार इन्होंने कम कर दिए। देश की जनता इनसे रोजगार पे बात करती है, हिंदू मुसलमान पे बात करते हैं, देश की जनता युवा इनसे रोजगार चाहता है, वो कहीं फिल्म इंडस्ट्री की और इधर उधर की बात करते हैं, मोर को दाना खिलाते हैं। इस देश की सबसे बड़ी खूबी है कि ये युवाओं का देश है, पर सबसे बड़ी चुनौती है कि इनको रोजगार कैसे दे, पर सरकार का कंसंट्रेशन लूट सको तो लूट योजना करने में है, ना कि जनता को राहत कैसे मिले, कैसे नौजवानों को रोजगार मिले, ये बड़ी समस्या है। ये चुनाव के बाद जो बेरोजगार है उनको रोजगार मिलेगा? बिल्कुल, हमारी सरकार 15 महीने थी, जो देश की एजेंसी आती जो 8% बेरोजगारी दर शिवराज के जमाने में थी वो 4% पहुंच गई थी और अब फिर 28% पहुंच गई। देश में सबसे ज्यादा तेज जीडीपी अगर किसी प्रदेश की बढ़ी तो वो मध्य प्रदेश की बढ़ी, वो लगातार इंडस्ट्रियल सेक्टर के माध्यम से, अलग अलग सेक्टर के माध्यम से रोजगार की व्यवस्था। कमलनाथ जी वो व्यक्ति है जिनका सबसे बड़ा हिंदुस्तान का अनुभव है और उनके अनुभव का लाभ इस मध्य प्रदेश को मिल रहा था जो माफियाओं ने गिरा दी और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की सरकार बेहतर चलती हुई गिरा। स्पष्ट है मध्य प्रदेश की जनता जो इस लोकतंत्र का कत्लेआम हुआ है, इस मध्य प्रदेश के बिकाऊ लाल मिलावट रामों को हराने के लिए जनता कमर कस चुकी है और जो काम कमलनाथ जी ने पिछले 15 महीनों में जो किया था, गरीब की पेंशन बढ़ाने से लेके बेटियों की शादी के पैसे से लेके यहाँ पे जो बिजली के बिल कम करे थे और हर वर्ग के लिए जो काम किया था, चाहे माफिया के खिलाफ का अभियान हो चाहे शुद्ध का युद्ध हो, पूरी जनता कांग्रेस पार्टी के साथ है और 28 की 28 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी की जमानत है। जब आपको लगता है कि हाट पीपल के जो भी रहवासी है सब उसमें चुनाव को लेके करेंगे? बिल्कुल स्पष्ट है, जनता साथ है, जनता दे क्योंकि जनादेश दिया था और जनादेश को बेचने वाले, जनादेश के खिलाफत करने वाले लोगों के साथ जनता नहीं जाती है, ये खरीदे हुए जनादेश की बिगर पैर की सरकार है, उपचुनाव के बाद टूट जाएगी। देवास से राजेश कुमार की रिपोर्ट।